तो दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली उनकी। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये तारीख जो है 25/4/2020 से बढ़ा के 25/5/2020 कर दी गई है। आप इसे इस तारीख तक इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि हम इस तरीके के रिक्रूटमेंट, इस तरीके की वैकेंसी यहाँ पर लाते रहते हैं। अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों ये जो डेट बढ़ाई गई है वो किस वजह से बढ़ाई गई है, क्योंकि COVID-19 की वजह से बढ़ाई गई है डेट। बाकी का पूरा जो वैकेंसीज हैं शेड्यूल्ड हैं वो पुराने ही हैं। देखिए आप देखोगे तो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने ये पहले नहीं देखा था नोटिफिकेशन, वो पूरा वीडियो देखें अच्छे से, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन निकला था जिसमें वैकेंसी थी 169 वैकेंसी थी, 116 ग्रेजुएशन के लिए थी, 53 टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए थी। और दोस्तों यहाँ पे ये नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम सेशन 2020-21 के अंतर्गत थी। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लूँ किस किस ब्रांचेस के लिए वैकेंसी थी, कितनी वैकेंसी थी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा था, तो वो सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर सिविल के लिए बात करूँ, ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी थी। इसका देखो पोस्ट कोड भी दिया हुआ टोटल। ऐसे डिप्लोमा वाले के लिए बात करूँ तो 3 वैकेंसी थी, पोस्ट कोड दिया हुआ टोटल 9 वैकेंसी। इस तरीके से तो मैं बात करूँ कि सारे पोस्ट कोड दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में कितना वैकेंसी और डिप्लोमा वालों के लिए कितना वैकेंसी। जैसे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बात करूँ ग्रेजुएशन वालों के लिए तो 12 वैकेंसी थी, डिप्लोमा वालों के लिए 6 वैकेंसी, टोटल 18 वैकेंसी थी। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 10 वैकेंसी, ग्रेजुएशन 4, डिप्लोमा टोटल 14। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बात करूँ 6 वैकेंसी ग्रेजुएशन, 3 वैकेंसी डिप्लोमा टोटल 9। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसी थी ग्रेजुएशन, 3 वैकेंसी दोस्तों डिप्लोमा। नेक्स्ट बात करूँ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए तो 55 वैकेंसी थी ग्रेजुएशन, 27 वैकेंसी डिप्लोमा टोटल 82। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 3 वैकेंसी ग्रेजुएशन, 2 वैकेंसी डिप्लोमा टोटल 5। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 10 वैकेंसी ग्रेजुएशन और 5 वैकेंसी डिप्लोमा टोटल 15। यहाँ पर जो 101 पोस्ट कोड से 108 तक जितने भी दिए उनके लिए डिग्री चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। और नेक्स्ट दोस्तों 110 से 170 जितने भी पोस्ट कोड दिए हुए हैं उनके लिए डिप्लोमा चाहिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी और भी हैं, जो अकाउंटेंट ऑफिस मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर दोस्तों 8 वैकेंसी हैं, जहाँ पर क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। दोस्तों यहाँ पे 169 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें से डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों 53 वैकेंसी और ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों 116 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर दोस्तों 55% जैसा मांगा हुआ है जो EWS OBC कैटेगरी के लिए, 50% ST SC और PW कैटेगरी के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताई गई है कि आप अगर 2017 के बाद ही पास किए हो तो ही आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हो, और यहाँ पे आपका 1 ईयर का ये अप्रेंटिस प्रोग्राम है। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई जिन्हें आप पढ़ लें अच्छे से। और नेक्स्ट बात करूँ कि सिलेक्शन मोड क्या है, तो सिलेक्शन मोड आपके परसेंटेज पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको देखो बताया गया है कि क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसी किस किस हिसाब से, पूरा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस पूरा बताया गया अच्छे से, आप पढ़ सकते हैं इसे। और नेक्स्ट देखो यहाँ पर बताया गया है कि 1,000 रुपये आपका DD बनेगा, जो आपको ये पूरा बताया गया है पूरा एड्रेस वगैरह, तो उसे आप पढ़ के अच्छे से उसके बना सकते हो। तो यहाँ पर वेट का बताया गया है, सारी एज लिमिट बताई गई, 18 से 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए जो 29/2/2020 के हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो सैलरी है, अगर आपने किया हुआ ग्रेजुएशन तो 9,000 रुपये पर मंथ, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ तो 8,000 रुपये पर मंथ अप्रेंटिस के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर लीव जो आपको मिलने वाली है वो भी यहाँ पर बताई गई है कि जैसे कि आपको CL है दी जाएंगी, मेडिकल लीव दी जाएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स भी दी जाएंगी जो आपको बताई गई है। 500 रुपये जैसा यहाँ पर फी लगने वाला है अगर आप OBC EWS कैटेगरी से करते हो बिलोंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो DD बनेगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसके रिलेटिव बनेगा, एड्रेस दिया हुआ ऑलरेडी, मेडिकल एग्ज़ाम पूरा, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका डेट बढ़ गया, मैं आपको बता दूंगा। आप इस पूरे को फॉर्म को देख लें एक बार अच्छे से।
ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, आप कैसे भर पाओगे, वो सारी जानकारी, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, कौन कौन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो बात आती है कि इस नोटिफिकेशन हम कहाँ से पाएँ और कैसे भरें, तो यहाँ पे आप सर्च करिए गूगल पे HECL RECRUITMENT। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन, ये लिंक आ जाएगा, इसे ओपन कर लीजिए। जस्ट जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन जो था, मैं अभी पढ़ रहा था, वो नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी। देखो ये वाला जो आपका थर्ड प्लेस पे, ये वाला, तो आप इसे प्रेस कर दीजिए और यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे है, जैसे आप डाउनलोड करोगे लेफ्ट हैंड साइड से जो नीचे की तरफ तीर लग रहा है, तो आपको ये जस्ट यही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली यहाँ से फॉर्म लेके और इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो आपको डेट बढ़ा दी गई है, तो आप यहाँ से फॉर्म ले लीजिए, सारा भर दीजिए फॉर्म। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, चालान सब कुछ दिया, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया, सारी कुछ जानकारी।